ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की वॉर इन दिनों काफी चर्चाओं में बनी हुई है। ना सिर्फ आम जनता बल्कि बॉलीवुड स्टार्स ने भी फिल्म की जमकर तारीफ की है। यहां तक कि इस फिल्म से क्रिटिक्स को भी काफी उम्मीदें हैं। फिल्म में ऋतिक और टाइगर के साथ वाणी कपूर भी नजर आई है, लेकिन लोग तो ऋतिक टाइगर की एक्टिंग के ही कायल हो गए हैं। बता दें कि फिल्म को लेकर टाइगर श्रॉफ की माँ आयशा श्रॉफ ने भी अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा है, मैंने पहली बार टाइगर के साथ फिल्म देखी। स्क्रीनिंग के दौरान ऋतिक रोशन, सिद्धार्थ आनंद और आदित्य चोपड़ा फैमिली के साथ मौजूद थे। मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे फिल्म बहुत पसंद आई, खासतौर पर टाइगर श्रॉफ की परफॉर्मेंस। तो देखा आपने, टाइगर श्रॉफ की माँ उनकी एक्टिंग और फिल्म की सक्सेस से काफ़ी खुश हैं। बताते चलें कि टाइगर श्रॉफ ने अपना करियर फिल्म हीरोपंती से शुरू किया था, लेकिन उस वक्त उनकी फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। उनको असली पहचान तो फिल्म बागी से मिली है। ये मूवी इतनी ज़बरदस्त हिट हुई थी कि इसका तीसरा पार्ट भी अब आने वाला है। वहीं अब फिल्म वॉर ने तो उनके करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। फिल्म को माउथ पब्लिसिटी का तो फायदा मिल ही रहा है, साथ ही बॉक्स ऑफिस पर भी ये फिल्म अपना कमाल दिखा रही है। बता दें कि फिल्म ने 54.60 करोड़ रुपए से ओपनिंग कर सभी फिल्मों को पछाड़ दिया है। फिल्म की सक्सेस को लेकर खुद टाइगर ने भी अपनी खुशी जाहिर की है। टाइगर श्रॉफ के घर वाले ही नहीं बल्कि ऋतिक की फैमिली भी वॉर के सक्सेस से काफी खुश हैं। उनके पिता राकेश रोशन ने कहा है, ये गर्व का क्षण है। मैं यशराज फिल्म्स की पूरी टीम को बधाई देता हूँ। वॉर एक सुपर एंटरटेनर मूवी है। वैसे आपने अगर ये फिल्म देख ली है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी।